वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी का टाइम हो रहा है 12:30। तो मैं अभी जस्ट आई हूँ घर पर। तो मैं गई थी क्लास, तो मेरा कुछ 10 बजे का क्लास था और मैं 10 बजे ही घर से निकली थी आज। मुझे बहुत लेट हो गया था क्लासेस के लिए और अभी मैं आ गई हूँ क्लासेस से। पहले तो अभी मैं जा रही हूँ हेयर वॉश करने, क्योंकि मेरे बाल पूरे पसीना पसीना हो गए। तो हेयर वॉश करके आती हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आज जीवदानी वापस से। तो मैं जब लास्ट टाइम गई थी अभी थोड़े दिन पहले, एक वीक से थोड़ा ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से, तब गई थी। तब मैंने दर्शन किए थे। अभी फिर मैंने बोला था क्या पता अब मैं कब वापस आ पाऊँगी जीवदानी, क्योंकि तब मैं 17 साल के बाद गई थी और अभी मैं वीक के बाद जा रही हूँ। तो अच्छा है, तो जाके आते हैं वापस से। तो तेरा की मम्मी को जाना ही था जीवदानी, हम उनके साथ जाने वाले थे और मासी भी है, तो आज उनको भी घुमा के लाते जीवदानी। तो अभी खाना खा रहे हैं सब, मतलब रेडी हो रहा है खाना। खाना खा के सारा कुछ फटाफट से काम करके निकलेंगे जीवदानी के लिए। 3:30 तक निकलेंगे। तो अभी फिलहाल मैं नहा कर खाना खा लेती हूँ। जी अंश, ये प्रसिद्धि है, प्रसिद्धि मुंह दिखा नीचे कर। और ये है जी अंश, ये जी अंश का ड्राइंग दिखाओ। जी अंश, ये जी अंश का ड्राइंग है, वाव। और ये प्रसिद्धि का ड्राइंग है। जी अंश, ए जी अंश, हाय कर प्रसिद्धि। जी अंश हाय करो। जी अंश हाय, इधर इधर देख के हाय करो। हाय, ऐसे ऐसे हाय करो। हाँ ऐसे, वेरी गुड। तो अभी का टाइम हो रहा है परफेक्ट 3:30 और अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो ये बैग कैरी के इसमें हमारा खाने पीने का सामान है। तो चलो चलते, बाकी सब आगे निकल गए। तो मैं अभी जल्दी से जाती हूँ, बाहर साइड जाना है, फिर वहाँ से ऑटो रिक्शा करके जाएंगे। लेट्स गो। मैंने जेंट्स रुमाल लिया है, जेंट्स रुमाल, क्योंकि ये अच्छा पड़ता है, बहुत बड़ा होता है और अच्छा होता है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ परफेक्ट कि जीवदानी कैसे जाना है। विरार स्टेशन से, वेस्ट से, तो ये वेस्ट का ब्रिज है, यहाँ पर चढ़ना है। सारे जन चढ़ रहे हैं, ये ब्रिज है और भी कोई ब्रिज है, वहाँ से जाना है तो वहाँ से जा सकते हो, पर मैं आपको ये वाला ब्रिज सजेस्ट करूँगी। तो ये ब्रिज से चढ़ना है, चलते चलते एकदम लास्ट वाले ब्रिज पर जाना है। नहीं पता चलता तो किसी को पूछना ईस्ट का ब्रिज कौन सा है, तो वो आपको बताएंगे। और ईस्ट में उतरते ही ऑटो रिक्शा स्टैंड है, जीवदानी ऑटो रिक्शा स्टैंड बोर्ड लगा हुआ है और रिक्शा स्टैंड के एग्जैक्ट बाजू में ये तालाब है। और आपको रिक्शा है ना परफेक्ट जीवदानी माता के मंदिर के नीचे ही उतारेगी, वहाँ पर एक बड़ा सा रिक्शा स्टैंड है, देख सकते हो। और रिक्शा सीट का 20-20 रुपीज़ लेती है, सीट वाइज जाना है तो, शेयरिंग ऑटो जिसे बोलते हैं। अगर आपको प्राइवेट करना है तो 60-70-80 कुछ भी ले सकते हैं, पता नहीं मुझे परफेक्टली, तो ये अपने अंदाज से मैं बता रही हूँ। और नीचे सारी शॉप्स है, जैसे कि मैंने आपको पहले के वीडियो में जब जीवदानी गई थी तब नहीं दिखाया था, क्योंकि हम लोग इससे गाड़ी से थे और प्लस बहुत अर्ली मॉर्निंग थी इसलिए थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। तो हम लोग ये दोपहर के टाइम गए थे तो बहुत उजाला है। और आप नीचे शॉप्स देख सकते हो, खाने पीने का सामान भी है, पूजा पाठ का सामान है। और हम लोग ये पहुँच गए अभी परफेक्ट मेन एंट्रेंस पर। तो ये मेन एंट्रेंस है और नीचे भी एक मंदिर है गणपति जी का, तो वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे ही हम जीवदानी मंदिर चढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, 10-20 सीढ़ीज़ के बाद साइड में ये गणपति का मंदिर है, बहुत ही अच्छा है। और ये है जीवदानी फ्यूनिकुलर का ऑफिस बोल सकते हो, यहाँ पर से टिकट लेना है और यहाँ पर वेट करना है, ये वेटिंग एरिया बोल सकते हो। और टिकट काउंटर दोनों भी है और बाजू में एक चप्पल स्टैंड है, जो भी ट्रेन से जाता है ना उन्हें यहाँ पर अपने चप्पल रखने हैं। और ये रहा टिकट काउंटर और ये है वेटिंग के लिए सीटिंग एरिया। और ये जो ग्रीन पटरी दिख रहे हैं ना वो है ट्रेन की पटरियाँ है। और बहुत ही बड़ा सा है वेटिंग एरिया, क्योंकि संडे को बहुत भीड़ होती है ना, इसीलिए बहुत बड़ा बना है। और यह है गणपति जी की मूर्ति, वेटिंग एरिया में बहुत ही मस्त है। फाइनली हमारी बारी आ गई और ट्रेन भी आ गई। तो मेरे को तो सेम टू सेम सारा कुछ ट्रेन जैसा ही लगा, जो हम पकड़ते हैं ऊपर हैंडल्स है, सेम टू सेम सीट्स है, फ़ैन लगा हुआ है, ऑटोमेटिक डोर है। और बहुत मतलब 4 डब्बे है इस ट्रेन में, अपने ट्रेन में 12 डब्बे 15 डब्बे का होता है, ये सिर्फ 4 इसका है। और सामने सामने बहुत लंबी लंबी सीट्स है, तो बहुत ही अच्छा लगा ट्रेन में। और यहाँ पर आप व्यू देख सकते हो, मैं बैक साइड से शूट करूँ, इतना अच्छा व्यू आ रहा था ना, बहुत ही मज़ा आया।
और है ना ये जो ट्रेन चलते ना पटरी पर, उसके बाजू में आप देख सकते हो सीढ़ीज रखे हुए, सीढ़ी बनाए हुए, रखे हुए नहीं बनाया हुआ है पूरा। मेरे को लगता है ये क्यों बनाया, मैं मेरे हिसाब से बताती हूँ। अगर ट्रेन कभी इमरजेंसी में अटक गया हो या ऊपर नहीं जा रहा हो तो सीढ़ी से चढ़ के आकर कुछ कर सकते ना, इसीलिए। और प्रसिद्ध यहाँ पर अपना व्यू इंजॉय कर रही है, बहुत ही मस्त लग रहा था बाकी। और यहाँ पर मेरा बहुत बड़ा पोपट हो गया, मेरे को लगा ये साइड से हम चढ़े थे तो यही गेट खुलेगा, पर वो साइड का गेट खुल गया तो मेरा पोपट हो गया, पोपट। और आपको ट्रेन में से उतर के भी 6 to 7 या 7 to 8 फ्लोर्स जितना चढ़ना पड़ता है। और जो बड़ी एज के होते हैं और किसी को कुछ प्रॉब्लम हो उनके लिए एक लिफ्ट रखी गई है, पर बाकी सारों को चढ़ के ही जाना है सीढ़ियों से 8 फ्लोर तक। और फाइनली हम लोग पहुंच गए मंदिर। यहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ खींचना अलाउड नहीं है, पर सारे जन खींच रहे थे तो फिर मैंने भी खींचा, तो इसमें कोई गलती नहीं हुई है मेरी। तो हमारे दर्शन हो चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर थोड़ी देर बैठने। तो चलो और हम ये सब घर से नाश्ता लेके गए थे और वहाँ पर बैठ के नाश्ता किया। और वहाँ पर चाय एंड पॉपकॉर्न की भी स्टॉल लगी हुई थी ऊपर साइड। तो दर्शन करके हो चुका है, हम लोग आए हैं पीछे साइड जो कि यहाँ से व्यू खतरनाक आता है, तो बस व्यू एंजॉय करते हैं। चाय नाश्ता किया हमने, यहाँ पर ऊपर चाय भी मिलती है और नाश्ता तो हम लाए थे घर से, वापस चलते ऊपर। चलो और ये तो हम लोग को बहुत ही मजा आ रहा है। देखो यहाँ पे रील्स बन रहा है, अपने आप बना रही है रील्स, और एक दो रील्स बनाया मैंने भी पर मजा नहीं आया रील्स में, नेटवर्क ही नहीं हो रहा है यहाँ पर, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और क्रेडिट गोज टू ओमी कैमरामैन बना था वो हमारा। और अभी चलते नीचे, फोन आ गया मम्मी का एक बार। हम लोग यहाँ पीछे साइड है और शेड से वहाँ पर, वहाँ पर पीछे सारे मम्मी और सारे बैठे, तो अभी हम लोग जा रहे ऊपर। ओ दरा दरा क्या दिखाओ, व्यू, अच्छा व्यू दिखाओ सी। चलो चलो चले लेट्स गो बैक। और ट्रेन तो भाई बहुत अच्छा है, अच्छा अच्छा नहीं अच्छा है, इतना मेहनत कर रहे हैं, रील्स अपलोड ही नहीं हो पा रहा है तो क्या ही करे भाई। मैं तो रील नहीं बनाया, रील बनाया वो अपलोड नहीं हो रहा है। अपलोड इधर कहाँ से होगा, ये नेटवर्क प्रॉब्लम, फालतू में से इतना मेहनत करवा दो, घर पे जाके वापस से मेहनत करना है तुझे, घर पे जाके है हम लोग के पास। तो यहाँ पर रिटर्न के टाइम भी वापस टिकट चेकिंग होता है, तो अपना टिकट संभाल के रखना। और वापस हम बैठ गए ट्रेन में। तो अभी हम लोग आ गए घर पर, डायरेक्ट धरा के घर पर आए हैं, थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे मस्ती करेंगे उसके बाद घर पर जाएंगे। और मैंने कपड़े भी चेंज किए, मैंने कपड़े इसीलिए चेंज किए क्योंकि धरा के घर पे एक पैट कैट है, पैट कैट, और उसका ब्रीड है पर्शियन, पर्शियन ब्रीड, और इतनी क्यूट है, इतनी मस्त दिख रही है। ओनली 1 मंथ का ही है तो उसको नहला भी नहीं सकते ना, तो थोड़ा स्मेल आ रहा था मेरे कपड़ों में तो मैंने चेंज कर लिया। तो मैं अभी आपको कैट दिखाती हूँ। तो ये रही कैट, देख सकते हो उसको ऊपर दिखाना, उसकी आईज में दिखानी मेरे को, हाँ उसकी आईज देखो, वाओ खूबसूरत, ऊपर ऊपर कर, वापस ऊपर कर, वाह देखो कितनी क्यूट है यार, निकाल इसको, निकाल बाहर, पर मेरे को मत देना वापस, मेरे कपड़े में स्मेल आएगा, देखा उसके पैर ना आ जाए। रुक जा भाई, सबर रख, ये उसका हाथ, टुन्नु मुन्नु टुन्नु, ये क्या है, इसके डब्बे के अंदर मिट्टी है क्या, उसको बैठने को बोल, सिट, मेरे मेरे थोड़ी ना मानती, उसको उसको ऊपर हाथ कर, ऊपर हाथ कर, उसको इधर इधर, एक। तो अभी का टाइम हो रहा है रात के 2 बज रहे हैं और अभी मेरे को रात को 2 बजे भूत सवार हुआ है कैलोरीज बर्न करने का, चलते चलते मेरे को 5 मिनट हुआ है और 17 कैलोरी मैंने बर्न कर ली है, एक बार दिखा दो,
और मेरा टारगेट है कि मैं आधा घंटा करूँ, तो देखते हैं अभी। तो अभी मैं ये व्लॉग यहाँ पर ही एंड करती हूँ। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सबसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।